दोस्तों गुड इवनिंग। तो आज का हमारा विषय है बेस्ट प्लेसमेंट फॉर किचन एंड बेडरूम। बेडरूम और किचन कहाँ पे होना चाहिए जब हम घर बनाते हैं। तो कल हमने टॉयलेट के विषय में बता दिया था, आज बताते हैं बेस्ट प्लेसमेंट फॉर किचन। किचन के लिए सबसे अच्छी दो जगह हैं, एक अग्निकुंड है, ये सबसे अच्छा माना जाता है साउथ ईस्ट। यहाँ पर किचन होने से सबसे अच्छी किचन है। इसके बाद अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो ये वाला वायु कोण बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर किचन बनाना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि बेडरूम बेडरूम कहाँ होने चाहिए। तो हमारा ये प्लॉट है, प्लॉट को नौ खाने में हमने डिवाइड कर लिया है। तो बेडरूम तो ये बता दिए हैं, सब बेडरूम कहीं पे आप बना सकते हो, लेकिन बेडरूम बनने के बाद अनमैरिड बच्चे कहाँ पे सोने चाहिए और माता पिता का कमरा कौन सा होना चाहिए, या ये बोलें कि घर के मुखिया का घर कमरा कहाँ होना चाहिए, तो उसके लिए ये दर्शाया गया है मास्टर बेडरूम। तो इसमें ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर होता है वो मास्टर बेडरूम है, या ये कहें कि जो सबसे घर में जो बड़ा हो, जैसे माता पिता या दादी बाबा, उसके लिए ये बेडरूम सूट करता है। और अनमैरिड बच्चे जो होते हैं उनके लिए ये वाला कमरा है, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट और एक हो जाएगा ईस्ट साउथ। तो ये वाले दोनों जो बेडरूम है ये अनमैरिड बच्चों के लिए हो गए ये वाले, और ये जो है नॉर्मल बेडरूम है, ये साउथ और नॉर्थ का, और ये हो गया चिल्ड्रन बेडरूम या जो बच्चों का कमरा हम लोग बोलते हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट घर में और क्या रह जाता है, जैसे सीढ़ी किधर होनी चाहिए, तो ये मैं कल का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें एक डायग्राम बना के उसमें बता देंगे सीढ़ी कहाँ होनी चाहिए, घर का ढलान किधर होना चाहिए, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर कोई स्टॉक मार्केट में काम करता है तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के नीचे दिया गया है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हो। मैं वहां पर लेवल डालता हूँ नेक्स्ट दिन का स्टॉक मार्केट क्या खुलेगा और उसके लेवल क्या रहेंगे। तो जैसे कि आज बुधवार है तो कल मार्केट क्या रहेगा, कल मार्केट पॉजिटिव है, तो वो मैंने पहले 3:15 बजे डाल दिया था कि मार्केट आज पॉजिटिव रहेगा एज पर एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन। तो जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय।